हेलो एवरीवन, आज हम टीटीसी एलआरडीसी ई लेक्चर सीरीज़ में अप्लाइड फिजिक्स कोड 102 के थर्ड यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने लास्ट टू यूनिट्स के यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड इलास्टिसिटी यूनिट्स के क्वेश्चन शेयर किए थे। आज हमारा थर्ड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव। ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे के छर्रे बनाने में किस गुण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, द्रवीय शीशे के पृष्ठ तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता है क्योंकि पानी का संसंजक बल पानी और तेल के अणुओं के मध्य आसंजक बल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, पानी की सतह पर तेल की परत तैरती है जबकि तेल की सतह पर पानी की परत नहीं तैरती है। इसका कारण है कि पानी का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो पृष्ठ तनाव गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। ऑप्शन टू इसका सही आंसर है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव कौन से परमाणु या आणविक गुण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, सतह के परमाणु जो विभिन्न परमाणु द्वारा बंधे होते हैं उसके कारण सतह पर पृष्ठ तनाव लगता है अंदर की तरफ, सरफेस के नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पानी की बूंद को तेल की सतह पर छोड़ दिया जाए तो यह गोलाकार बनी रहेगी पृष्ठ तनाव के गुण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती है क्योंकि द्रवों की प्रकृति पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की होती है और एक स्फेरिकल शेप का या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई द्रव केश नली में तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण उसका न्यून कोण हो। नेक्स्ट, एक द्रव ठोस को पूर्ण रूप से भिगोता है, पर्याप्त लंबाई की केश नली में द्रव का चंद्र तल होगा। इसका आंसर है अवतल, कॉनकेव शेप का, अवतल शेप का उसका अपर लेयर, अपर मेनिस्कस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्रव की सतह समतल है तब द्रव और बर्तन की दीवारों के बीच स्पर्श कोण होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जोड़े के लिए स्पर्श कोण का मान समान है। इसका आंसर है ऑप्शन टू, शुद्ध जल तथा कांच और कांच तथा अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस सतह एवं कैरोसिन के लिए स्पर्श कोण है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री स्पर्श कोण वाले द्रव के चंद्रतल की प्रकृति होगी। सही आंसर है अर्धगोलाकार, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की वजह से भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाली केशनलियों में पानी की ऊंचाई h और त्रिज्या के बीच क्या शर्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन वन, आर एच इज इक्वल टू नियतांक, आर एच कि जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, रेडियस का और पानी की हाइट h का प्रोडक्ट नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केश नली में द्रव के चढ़ते समय किसके बीच संपर्क सतह नियत रहती है। इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, हवा और द्रव के बीच संपर्क सतह नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केश नली प्रयोग को निर्वात में संपन्न कराया जाए तो द्रव केश नली में चढ़ेगा। ऑप्शन वन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये केश नली में द्रव का तल गिरता है तो केश नली की त्रिज्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, तली के क्षेत्रफल पर दाब निर्भर नहीं करता है क्योंकि जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है HDG, तो वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और डेंसिटी द्रव की प्रकृति पर निर्भर करेगा, लेकिन तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जलकुंड के बांध की मोटाई पैंदे पर अधिक होती है क्योंकि, सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु किसी द्रव की सतह पर ठीक तैर रही है, वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के समान है, वस्तु थोड़ी सी द्रव में नीचे धकेली जाती है, वस्तु थोड़ी सी जब द्रव में नीचे धकेली जाती है तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही आंसर है, वह वहीं रह जाएगी जहां तक उसे धकेला गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरती किसी नाव में स्टील की कुछ गेंदें रखी हैं, गेंद एक एक करके जल में फेंकी जाती है तो जल का स्तर गिर जाएगा। ऑप्शन 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा जहाज जल में तैर सकता है किंतु स्टील की बनी हुई सुई डूब जाती है, इसका कारण है? उपरोक्त में से कोई भी इसका कारण नहीं है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, उत्प्लावन बल के कारण, और श्यानता पृष्ठ तनाव घनत्व, इनमें से इसका कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में नली में द्रव का प्रवाह अधिक रेखीय होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, कम त्रिज्या की नली से अधिक श्यान और कम घनत्व का द्रव बहे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग v से वृत्ति कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो उपग्रह, ऑप्शन 2, कक्षा के स्पर्श रेखा के अनुदिश v वेग से गति करेगा। ये क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यूनिट के हैं, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें इंक्लूड करेंगे। ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे थर्ड यूनिट के थे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, ग्रेविटेशन। थैंक यू, इट्स ओवर।